हाय गाइस, तो मैं आपको अभी हमारी फाइनल टीम बताने वाला हूँ, दिल्ली वर्सेस मुंबई की माय टीम 11 में। पहले मैच इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। वेन्यू है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। और अभी पिच रिपोर्ट देखते हैं। ये पिच बैटिंग के लिए बहुत अच्छी है और फास्ट बॉलर्स के लिए भी बहुत अच्छी है। अब हमारी प्लेइंग 11 देख लेते हैं, टीम 11 सॉरी। तो फ्रेंड्स, पहले हम विकेट कीपर्स चूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ 3 विकेट कीपर्स हैं। तो मैं पहले क्विंटन डिकॉक को चूज़ करूँगा, फिर ऋषभ पंत को, फिर बैट्समैन्स लिस्ट में देखते हैं शिखर धवन को लेंगे पहले, फिर श्रेयस अय्यर को। और हार्दिक पांड्या नहीं खेल रहे हैं तो हम शिमरन हेटमायर को लेंगे, लेकिन पहले सूर्य कुमार यादव को ले लेते हैं। और जैसे कि मैंने कहा था कि पृथ्वी शॉ अगर नहीं खेलते तो मैं रोहित शर्मा या हार्दिक पांड्या को ले लूँगा, लेकिन पृथ्वी शॉ यहाँ खेल रहे हैं इसलिए मैं पृथ्वी शॉ को भी ले लूँगा। और फिर ऑलराउंडर्स में जाएंगे। ऑलराउंडर्स में हमें किरण पोलार्ड को लेना है सिर्फ। फिर बाद में बॉलर्स में जाएंगे, यहाँ पे कगिसो रबाडा को लेना है, जसप्रीत बुमराह को लेना है, फिर ट्रेंट बोल्ट को लेना है। और रविचंद्रन अश्विन या फिर राहुल चहर, इन दोनों में से किसको तो लेना है। यहाँ पर मैं रविचंद्रन अश्विन को ले लेता हूँ। तो हमारी प्लेइंग 11 हो गई, टीम 11। तो नेक्स्ट पर तो बना है, यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन को इसको बना है। तो कैप्टन आप क्विंटन डिकॉक को बना दीजिए और वाइस कैप्टन आप शिखर धवन को बना दीजिए। ओके, और सेव कर दीजिए। ठीक है, अगर इसमें भी आपको कुछ चेंजेस एडिटिंग करना है तो आप कर सकते हैं। ये सिर्फ मेरी सजेशन थी और आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ आप मेरी टीम देख सकते हैं, क्विंटन डिकॉक एज कैप्टन, ऋषभ पंत, बैट्समैन्स लिस्ट में सूर्य कुमार यादव, पृथ्वी शॉ, शिखर धवन वाइस कैप्टन, श्रेयस अय्यर, ऑलराउंडर्स लिस्ट में किरण पोलार्ड, बॉलर्स लिस्ट में ट्रेंट बोल्ट, बुमराह, रविचंद्रन अश्विन, कगिसो रबाड़ा। तो भाइयों, ये थी हमारी आपकी फाइनल टीम। मैं आपको पिछली टीम भी दिखा देता हूँ जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बनाई थी, जो कि एक सिर्फ प्रेडिक्टेबल टीम थी। ये देखिए, ये थी हमारी पिछली टीम। तो यहाँ पर चेंजेस क्या है, मैंने मार्कस टाइनस को नहीं लिया है, उनकी जगह पृथ्वी शॉ को ले लिया है, यही चेंज था। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।